ये बीज बहुत अच्छे से खून की सफाई करते हैं। क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, इन चीजों को शरीर में सही संतुलन लाकर रोका जा सकता है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, यहां अमेरिका में आप चिली को भी पेपर कहते हैं, ग्रीन पेपर नहीं, ब्लैक पेपर जिसे पेपर कॉर्न कहते हैं। यह बहुत ही प्राणिक होती है और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो ये आपकी धमनियों को साफ रखने में बहुत मदद कर सकती है। सभी मसाले बहुत ज्यादा प्राणिक होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कम मात्रा में होना चाहिए। अगर आप मसालों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून में हीमोग्लोबिन कम कर देते हैं और आप में खून की कमी हो सकती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये बहुत फायदेमंद होता है, ये बहुत प्राणिक होता है। ये बताने के लिए पर्याप्त रिसर्च मौजूद है कि अगर आप अपने भोजन में 30% फल शामिल करते हैं तो हार्ट या कार्डियक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यही चीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की बीमारियों के लिए भी कारगर है। ये सब बीमारियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि फल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उस समय जब हम बड़े हो रहे थे तो हम एक बच्चे के रूप में कहीं से भी फल तोड़कर खा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब फल देखने को ही नहीं मिलते, अगर दिखते हैं तो सिर्फ बाजार में। तो इसे बदलना होगा, यानी हमें अपने भोजन में फल वापस लाने होंगे। अंकुरित मेथी जिसे हम सब जानते हैं, ये बीज बहुत ही अच्छे से खून की सफाई करता है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल और नाखूनों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और ब्लड शुगर लेवल नीचे लाता है। अंकुरित मेथी के साथ अंकुरित ग्रीन ग्राम या मूंग का सेवन समझ शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग 50 के ऊपर हैं उन्हें इसका सेवन हर दिन करना चाहिए वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप इसे खो देंगे। ये करुप्पू काबुनी आरिसी या काला काबुनी चावल है। ये एक अनूठे किस्म का चावल है जो बहुत ही पौष्टिक है और पुराने समय में कहा जाता था कि सिर्फ राजा लोग ही इसे खा सकते थे। काले काबुनी चावल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, खासकर प्रोटीन, फाइबर और आयरन। कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसमें 23 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और चावल की सभी किस्मों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि इसी में होती है। ये हृदय रोग से बचाने में मददगार होता है और ये भी पाया गया है कि इसमें सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुण काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये पाया गया कि अगर इस चावल का सेवन हर दिन किया जाए तो स्तन कैंसर के मामलों में ये कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम कर देता है और उसके फैलने की गति को धीमा कर देता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मानव बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक है संक्रामक बीमारियां और दूसरी है क्रॉनिक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां शरीर में बाहर से आती हैं, कोई बाहरी जीवाणु शरीर में घुसकर समस्या पैदा करता है जिसका इलाज दवाइयों से करना पड़ता है। लेकिन क्रॉनिक बीमारी का मतलब है हमारा खुद का शरीर ही समस्या पैदा कर रहा है, बीमारी का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है। क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, मोटापा, ईटिंग डिसऑर्डर्स और इसी तरह की कई बीमारियां जो असल में शरीर के अंदर से पैदा हो रही हैं, अगर हम अपने सबसे आंतरिक कोर पर पर्याप्त रूप से ध्यान दें तो ये सभी चीजें अंदर से ठीक हो सकती हैं। इन बीमारियों को सिर्फ शरीर में संतुलन लाकर और अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करके बदला जा सकता है। इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उद्देश्य बस यही है कि हम अपने अंदर की उस गहन बुद्धिमत्ता और क्षमता तक पहुंच सकें जो इस शरीर को बनाने में सक्षम है और वो किस तरह की चीजों से बन रही है।
अगर आप एक ब्रेड खाते हैं तो कुछ ही घंटों में वो इंसानी शरीर में बदल जाता है। तो हमारे अंदर वो बुद्धिमत्ता और वो क्षमता मौजूद है। अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो आपको सेहत के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं ये क्या है? इसे रुद्राक्ष कहते हैं, ठीक है? रुद्राक्ष का बीज या पेड़ एक खास ऊंचाई पर उगता है। मुख्य रूप से ये लगभग 6,500 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर उगता है हिमालय के क्षेत्र में, और इसका स्पंदन बहुत अनोखा होता है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी तंत्रिकाओं को शांत रखता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक। ये सब अलग अलग उद्देश्यों के लिए होते हैं। जो लोग परिवार और सामाजिक जीवन में हैं, उनके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे अच्छा होता है। इसे पंचमुखी कहा जाता है। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष को देखें तो इसमें 5 खांचे होंगे जिन्हें आप गिन सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। Thank you.